सबमरीन्स पानी के अंदर कुछ 300 मीटर तक आराम से नीचे ऊपर यानी कि डाइव और रीसरफेस कर लेती है। पर कैसे? सबमरीन्स में आगे और पीछे एटलीस्ट 2 टैंक्स होते हैं जिन्हें हम बैलेस्ट टैंक भी कहते हैं, जो खाली होते हैं यानी उनमें हवा भरी हुई होती है। जब सबमरीन्स को नीचे जाना है तो ये टैंक्स में पानी भर दिया जाता है ताकि सबमरीन्स हैवी हो जाए और नीचे डूबना शुरू कर दे, और ऊपर आने के लिए टैंक्स में हवा भरना शुरू करते हैं ताकि पानी निकल जाए और सबमरीन्स हल्की हो जाए और सबमरीन्स ऊपर आ जाए। आगे और पीछे दोनों जगह ये बैलेंस टैंक के होने से सबमरीन को स्टेबल बैलेंस भी मिलता है ताकि ज्यादा टिल्ट किए बिना वो ऊपर और नीचे जा पाए। है ना काफी इजी मैकेनिज्म। ऑल थैंक्स टू आर्किमिडीज फॉर दिस ब्यूटीफुल कंसेप्ट। सीखना चाहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के और भी कई सारे एप्लीकेशंस एकदम डिटेल में? आइए मेरे अपकमिंग सेशन में। लिंक्स आर गिवन इन पिन कमेंट। टिल देन कीप एम्बाइबिंग।